दूरी बनाए रखें। पंच के सुंदर राज्यों में खिल चुका है कमल का फूल। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला बढ़ाए। अंकित से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो माइक पर आ जाए रनिंग कमेंट्री के लिए, और हॉर्स शो और डॉग शो के बाद एक बार फिर संगीत का ये कार्यक्रम जो है वो दोबारा शुरू हो। देश बचाना सपैया, लड़ी लड़ी के मरी जाना, तो ये पहाड़ी का हम कह सकते हैं कि एक लोक गाथा है। खुर्शीद और राथर और उनके साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि 1947-1948 की यादों को ताज़ा करते हुए उस वीर गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करें। कमी टाइम कोई गल नहीं करनी। की तरफ से जो है लिंकअप डे मनाएंगे, इसके हवाले से बताएं। आज उन लिंकअप डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा था आर्मी की तरफ से, इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे कमांडर 93 ब्रिगेड को और उनकी पूरी टीम को, जितने भी कमांडिंग अफसरान हैं, 20 साहब हैं, 80 साहब, सबको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि ये पुंछ लिंकअप डे जो है, खासकर तारीखी तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे लिए पुंछ जो है वो 48 को आज़ाद हुआ था, हमारा देश 47 में हुआ, लेकिन तो ये एरिया जो है कबालियों के पास था, और ये 48 में जो है हमारी बहादुर फौज की एक कुर्बानी, और यहाँ के जितने भी हमारे पुंछ के महज़ लोग थे, जिन्होंने पूरा उस वक्त अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना जो है वो उस लड़ाई में हिस्सा लिया, तो उसी की बदौलत जाके हम 48 में 22 नवंबर 1948 में जो है पुंछ आज़ाद हुआ कबायलियों के जो कब्ज़ा किया हुआ था उनसे। तो इसके लिए ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट्स है अगर देखा जाए पुंछ के लिए। मैं ख़ासकर कमांडर 93 ब्रिगेड को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने इस साल इसको इतने बड़े पैमाने पर पिछले 15-20 दिन से लगातार इनके प्रोग्राम हर बटालियन में हो रहे हैं, तो इससे पहले इतना बड़ा इवेंट्स नहीं हुआ। इसके लिए मैं दिली तौर पर आर्मी को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ।